अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ असद अली फ्रॉम यूट्यूब वाली सरकार। और आज की स्टूडियो के अंदर आपके सामने दोस्तों बैटरी की टिप्स और ट्रिक्स लेकर आया हूँ, जो जिससे कि आपकी बैटरी बहुत कम ज़ाया होगी। जैसा कि बहुत से लोगों की बैटरी मिनटों में फुल हो जाती है और मिनटों में ख़त्म हो जाती है, तो दोस्तों आज की मुश्किल का हल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। मेरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को इस वीडियो को लाइक कर दें, इससे मेरा हौसला बढ़ने वाला है और कुछ नहीं होने वाला। तो दोस्तों पहली ट्रिक जो मैं आपके सामने लाया हूँ, उससे भी बहुत ज़्यादा आपकी बैटरी ख़त्म हो रही है, तो आप जल्दी जल्दी से ऑफ कर लीजिए। मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आप प्ले स्टोर पर आ जाइए, यहाँ पर आप तीन लाइन्स हैं नज़र आ रही होंगी लेफ्ट साइड पर, ऊपर उस पर क्लिक करें और नीचे आ जाएं सेटिंग पे। सेटिंग पे आने के बाद आपने इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर क्लिक कर दें ऑटो अपडेट ऐप, यहाँ पर दोस्तों अगर आपका ऑटो अपडेट ऐप और वाईफाई ओनली हुआ तो यहाँ आपका यहाँ इस पर हुआ मोबाइल डाटा नेटवर्क पर, तो दोस्तों आपने इन दोनों पर नहीं रखना, आपने डू नॉट ऑटो अपडेट पर क्लिक कर देना है। इसे होगा क्या कि अगर आपका डाटा यूज ऑन होगा तो आपकी कोई भी अपडेट आएगी तो आप उस पर अपडेट आपकी स्टार्ट हो जाएगी, और वाईफाई ऑन होगा तो आपकी ऑटोमेटिकली अपडेट स्टार्ट हो जाएगी, तो इससे आपकी बहुत सारी बैटरी ज़ाया हो जाती है, इसलिए आप इसे ऑफ रहने दीजिए। और अगर आपने कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट करनी है तो उसका भी मैं बता देता हूँ वो कैसे करते हैं। आप इससे बैक आ जाइए, फिर लाइन पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर ऑप्शन है माई ऐप एंड गेम्स पर, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर चैटिंग हो रही है। ये देख सकते हैं नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये एक दो तीन चार काफ़ी सारी दोस्तों मेरी ऐप हैं जो कि अपडेट होने वाली हैं। समझो अगर आपने गूगल को अपडेट करना है, अपडेट पर क्लिक करके आप गूगल को अपडेट कर सकते हैं, आप अपने मन पसंदीदा ऐप को अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एक पहली ट्रिक। अब दूसरी ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आपने सेटिंग मोबाइल की ओपन कर लेनी, सेटिंग पर जाने के बाद आपने यहाँ पर अबाउट मोबाइल पर आ जाना, यहाँ पर आपने दोस्तों मोबाइल सॉफ्टवेयर वर्जन पर 7 बार क्लिक करना है, 1 2 3 4 5 6 7। दोस्तों मैंने ऑलरेडी क्लिक किया हुआ है तो आपके डेवलपर ऑप्शन आ जाएगा, मैंने आया हुआ है। फिर मैं एडवांस सेटिंग पर जाऊँगा, यहाँ नीचे मेरे डेवलपर ऑप्शन आ चुका है। डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपने इसे ऑन करना है, आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, आपने परमिशन को ऑन कर देना है। फिर ये देखें ऑफ होगा, इस तरह आपने इसे ऑन कर देना है और ओके पर क्लिक करना है। फिर आपने एंड पर आ जाना है, बिल्कुल लास्ट पर, तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है बैकग्राउंड प्रोसेस लिए, यहाँ पर आपने दोस्तों नो बैकग्राउंड प्रोसेस पर क्लिक करना है और डोंट कीप एक्टिव पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इससे आपकी होगा क्या, जितनी भी बैकग्राउंड में ऐप्स प्रोसेस कर रही होंगी वो सब की सब बंद हो जाएंगी। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी वीडियो, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।